ओके हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन गुड आफ्टरनून आ जाइए जी क्या बात है इंग्लिश को खत्म करने के लिए आ चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है द कॉप एंड एंथम इसको पढ़ने वाले हैं वन शॉट में प्रोज सेक्शन है तीसरा चैप्टर बस ऑलमोस्ट हमारी इंग्लिश सिलेबस खत्म होने की घड़ी बहुत नजदीक आ चुकी है हम जो है ऑलरेडी आपका राइटिंग स्किल सेक्शन नॉवेल सेक्शन पोइट्री सेक्शन और कुछ दिनों में प्रोज सेक्शन भी खत्म हो जाएगा उसके अलावा ग्रामर सेक्शन पर्सनल रिस्पॉन्स माइंड मैपिंग समरी राइटिंग टेस्ट सीरीज गाइडेंस मॉडल पेपर्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट नॉवल के आंसर कैसे लिखना है ये सब कुछ अपना बूस्टर बैच में 90 परसेंट कवर हो गया है बूस्टर बैच भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है ठीक है और यूट्यूब में भी अपने सेशन बहुत जल्द फिनिश हो जाएंगे तो जैसे कि आपको वादा किए थे कि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस पूरा करके रहेगा और ऐसा नहीं कि एंड मोमेंट में करेंगे एग्जाम को अभी पंद्रह दिन बचे हुए हैं ताकि आपको रिवीजन और प्रैक्टिस की भी बारी मिले ऐसा थोड़ी है कि आपका 21 फरवरी को एग्जाम है तो हम आपका सिलेबस जो है 19 फरवरी को खत्म करके देगा ऐसा थोड़ी होता है अरे भाई आपका सिलेबस जो है मिनिमम 15 से 10 दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए ताकि आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो पाँच दिन पहले या एक हफ्ता पहले सेवन डेज पहले तो आपको कुछ करना ही नहीं है आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करना है पूरा का पूरा आपको बन जाना है सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस करना है ठीक है तो जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो इस मोमेंट में उसको बस आप लोग और थोड़ा कर लो उसके बाद एग्जाम की घड़ी में जब एक हफ्ता बचा होगा तो उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करोगे मतलब आपने जो भी पढ़े हो भले ही आपने 50 परसेंट पढ़े हो 60 परसेंट पढ़े हो कोई बात नहीं वही 50 60 परसेंट को रिविजन में डालना ठीक है क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ के मतलब नहीं है एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आएगा और उस मोमेंट में आपको वो चीज याद नहीं आ रही होगी आप भी पढ़े हो उसको याद करो एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना ठीक है तो चलिए इसी के साथ यही बात के साथ आज हम जो है अपना चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है द को दी एंथम इसको स्टार्ट करते हैं ठीक है तो चलिए व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर कौन इस चैप्टर में प्रोटोगस्ट है कौन इस चैप्टर में हीरो है या आप बोल सकते हो मेन कैरेक्टर है हीरो तो नहीं मेन कैरेक्टर ठीक है और ये चैप्टर क्या है किस बारे में है किसने लिखा है सब कुछ स्टार्ट करेगा तो आपके सामने ये जो इंसान खड़ा हुआ है ये रो रहा है और पुलिस के पीछे पड़ा हुआ है बोल रहा है कि भाई प्लीज अरेस्ट मी प्लीज अरेस्ट मी और ये पुलिस इसको भाव भी नहीं दे रही तो ये इंसान कौन है जी जिसको इतना गिरफ्तार होने की बेचैनी हो रही है अरे भाई इस इंसान का नाम है सोपी तो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे स्टोरी में बेचारा एक सोपी है है ना तो जो बच्चे को ऑलरेडी स्टोरी पता है या उनको याद है कॉन्सेप्ट तो आपके लिए रिवीजन के लिए होने वाला है जो बच्चे को किल्चनी है मतलब तो जेडबल का एग्जाम दिए एंट्रेंस एग्जाम दिए वो कुछ नहीं आता है तो भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ठीक है तो देखो इस स्टोरी में एक जनाब होते हैं सोपी जो कि एक कौन होते हैं पता है एक वागा हिंदी में हम बोलेंगे एक आवारा इंसान ठीक है आवारा इंसान मतलब कौन जो कि शेल्टरलेस है मतलब ना उसका घर है ना उस जॉब है ना तो उसकी कोई जॉब है और ना ही ये कोई फैमिली इसकी फैमिली है ना दोस्त है ना कुछ है इंसान है सड़क में रह के अपनी जिंदगी बिता रहा है बिचारा ठीक है अब ये चैप्टर को लिखा किसने है ये चैप्टर लिखा गया है ओ हेनरी नाम के इंसान के द्वारा ये इनका पेट नेम है एक्चुअल नेम इनका नाम एक्चुअल इनका नेम क्या है एक्चुअल इनका नेम है विलियम सिडनी पॉटर एक्चुअल नेम क्या है विलियम सिडनी पॉटर इधर पे आपको दिख रहा होगा दिख रहा है कि नहीं ठीक है होता क्या है चलो एकदम आपको समरी बताऊंगी पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी अपने स्टोरी में मेनली दो ही कैरेक्टर है कितने कैरेक्टर है जी दो कैरेक्टर एक तो ये रहा बेचारा कौन जो कि सड़क पे सो रहा है ना घर है ना जॉब है ना कुछ है आवारा इंसान चोरी करता है भीख मांगता है या तो फिर फ्री का खाना खाके भागता है होटल से पैसा नहीं भरता कौन है ये जनाब ये जनाब है सोपी जनाब ठीक है और दूसरा कैरेक्टर कौन है पुलिस यहाँ पे एक पुलिस नहीं है अलग अलग पुलिस आने वाली तो है तो कॉप्स है सीओ पी एस पुलिस का दूसरा नाम क्या है कॉप्स ओके तो देखते हैं भाई सोपी ये जनाब को अरेस्ट क्यों होना है ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि ये जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहता है कोई इंसान अरेस्ट क्यों होना चाहेगा कोई इंसान अरेस्ट होने के लिए बोलेगा इसका मतलब तो ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है चलो देखते हैं ये जनाब अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारने की सोच रहे है होता क्या है कि सोपी जनाब तो भाई रास्ते में सो रहे है तो जब समर सीजन होता है तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है समर में तो बस सूरज होता है है ना अभी आउट ऑफ कंट्री इंडिया का नहीं है ठीक है बाहर के कोई देश का है तो यहाँ पे जब विंटर सीजन आता है अपने इंडिया में तो क्या मुंबई में स्पेशली गर्मी हो सर्दी हो एक ही जैसा माहौल होता है लेकिन बाहर के देशों में जब ठंडी आती है तो भाई स्नो फॉल होने लगता है ठीक है पूरी की पूरी कार अगर आपने बाहर रखे हो तो स्नो बन जाती है बर्फ बन जाती है और ये जनाब अगर ऐसी ठंडी में बाहर सोएगे तो क्या होगा ये भी बर्फ बन जाएंगे। तो ये टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है भाई मैं क्या करूं सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी के मौसम में तो मैं यहाँ बाहर रास्ते में नहीं सो सकता अगर मैं यहाँ पे सो गया तो सुबह जो है क्या बन के उठूंगा आइस बन के उठूंगा बर्फ बन के उठूंगा फिर यही मुझे बर्फ को जाके पानी में डुबा देगे लोग <laughs> क्योंकि डेथ हो चुकी होगी बेचारा तो सोच रहा होता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ ठीक है अब उतने में उसको कुछ आइडिया आ जाता है जो कि वो क्या करता है अपनाने की कोशिश करता है ताकि वो सर्दी से बच सके तो अब तक मैंने आपको क्या बताई सोपी कौन है एक शेल्टर कोई घर नहीं है छोटी मोटी -चोरी, चोरी चकारी करता है और अपनी जिंदगी बिता रहा है रोड में जीकर ठंडी का मौसम आता है ठंडी इन द सेंस बहुत स्नोफॉल होती है ठीक है तो सोचता है मैं क्या करूं क्या करूं उतने में उसको एकदम खतरनाक आइडिया आ जाता है और क्या आइडिया होता है वो सोचता है कि मैं काम करता हूँ ना मेरे को इतना मस्त भेजा मिला है दिमाग में मैं काम करता हूँ एक छोटा मोटा क्या करता हूँ क्राइम करता हूँ एक छोटा मोटा ऑफेंस करता हूं जुर्म करता हूं इतना छोटा जुर्म कि उसकी सजा सिर्फ तीन महीने की जेल हो इतना छोटा क्राइम मैं करूंगा कि उसकी सजा बस तीन महीने जेल की हो क्योंकि अगर मेरे को तीन महीने की जेल हो गई तो जेल में मुझे क्या मिलेगा भाई शेल्टर मिल जाएगा खाना मिलेगा भले ही प्याज रोटी मिल रही है बट कुछ तो मिलेगा और मैं सर्दी से बच जाऊंगा मेरी जान तो बच जाएगी तीन महीने का ही चाहिए क्योंकि उसके बाद तो मौसम चेंज हो जाएगा और फिर मैं अपनी सड़क में घूमूंगा है ना तो ये उसको आइडिया आता है जनाब को है ना छोटा स्मॉल क्राइम करेगा देखो फ्री फूड तो मिलने ही वाला है उसको जेल में खाना भी मिलेगा और उसको कोई चोरी चकारी करने के लिए मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी फ्री में प्याज रोटी मिल रही है वही खाके खुश रहेगा है ना तो यही बोल यही बात से आपकी क्या होती है चैप्टर की शुरुआत होती है और यही चीज को मत्ते नजर रखते हुए स्टोपी जनाब जो होते हैं सबसे पहला स्मॉल क्राइम छोटा जुर्म क्या करने की सोचता है सबसे पहला छोटा जुर्म वो ये करने की सोचता है कि मैं एक बहुत ही लग्जूरियस कैफे में लग्जूरियस मतलब बहुत ही फाइव स्टार टाइप होटल में जाकर खाना खाऊंगा और जब बिल भरने की बारी आएगी तो हाथ खड़े कर दूंगा क्या बोल दूंगा भाई मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है बिल भरने का मेरे को गिरफ्तार कर लो अरे भाई एक इंसान ने एक टाइम का खाना खाया है वो बिल नहीं भरा क्या उसको फांसी की सजा हो जाएगी नहीं ना ज्यादा से ज्यादा तीन महीने की जेल हो जाएगी मिनिमम और क्या होगा है ना तो ये क्या करता है यही चीज को मद्देनजर रखते हुए वो क्या करता है फटाक से अपनी कुर्सी से उठता है चलने लगता है स्ट्रोल करता है देखो वही है सोपी जो है अपनी बेंच छोड़ता है चलने लगता है और फिर किधर पहुंचता है और वो पहुंच जाता है किधर पहुंच जाता है एक बहुत ही फाइव स्टार टाइप होटल में जनाब सोपी पौट चुके हैं एक लग्जूरियस कैफे में और सपने तो देखो सपने सुहाने उसके क्या बोलता है पता है मैं वहां पर जाके क्या क्या खाऊंगा वहां पर जाके मैं रोस्टेड बतख खाऊंगा मैं जो है उधर पे दारू पीऊंगा मैं दारू के साथ चीज खाऊंगा सिगरेट पीऊंगा कॉफी पीऊंगा भाई मजा आ जाएगा लग्जूरियस कैफे में अरे एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे पेट तो भरेगा ही फाइव स्टार का होटल का खाना भी खाने मिलेगा और साथ में मुझे तीन महीने की जो सजा होगी वो भी हो जाएगी तो ये दो चीज को मत्ते नजर रखते हुए सोपी जनाब किधर जाते हैं लग्जूरियस कैफे में पहुंच जाते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती वो देखो क्या सोचता है सोपी जनाब जो होते हैं ठीक है ये ऊपर से तो बड़ा ही अच्छा दिख रहा होता है क्यों ऊपर से अच्छा दिख रहा होता है क्योंकि उसने गले में बो भी लगाया होता है वो ऐसा टाइट टाइप होता है ना उसको कोई ने ऐसा दे दिया था बोलते हैं ना चलते फिरते लोग चैरिटी करते तो उसको दे दिए थे ठीक है उसने अच्छे से कोट भी पहना हुआ था कोट भी अच्छा था अरे भाई शेविंग भी एकदम मस्त चकाचक करके रखा था बाल भी अच्छे से बनाया था प्रॉब्लम किधर थी प्रॉब्लम थी उसके ट्राउजर्स, जो उसने पैंट पहना हुआ था वो पैंट क्या थी फटी हुई थी साथ ही साथ जो उसने शूज पहना था वो भी फटे पुराने धूल धक्कड़ वाले गंदे से थे तो सोपी जनाब क्या दिमाग में चल रहे थे ये सोचकर कि मैं को कैसे भी करके ये लग्जूरियस कैफे में फटाफट अंदर घुसना है और टेबल पे बैठ जाना है क्योंकि द मोमेंट आई विल सिट ऑन द टेबल मेरा सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखेगा नीचे का हिस्सा तो दिखेगा ही नहीं और ऊपर से तो सोपी जनाब एक कंपनी के मालिक दिख रहे हैं और नीचे से तो फटीचर दिख रहे हैं तो वो क्या दिमाग लगाया था कि मैं को कैसे भी करके लग्जूरियस होटल में बैठना है टेबल में जाके क्योंकि अगर किसी की भी नजर मेरे पैंट में पड़ी तो फिर मेरे को अंदर आने नहीं मिलेगा ठीक है तो वही चीज को मत्ते नजर रखते हुए सोपी जनाब जो है जैसे ही रेस्टोरेंट के दरवाजे पे जाता है बेचारा कि किस्मत खराब होती है जो वहां का वेटर होता है उसकी आंख सबसे पहले सोपी के इधर पे पड़ती है ट्राउजर्स पे पड़ती है और शूज पे पड़ती है वहां का वेटर देखता है कि ये फटे पुरानी पैंट और जूते पहन के ये इंसान फाइव स्टार होटल में आया अरे भाई ये ऐसी होटल है जहाँ पे एक चाय एक चाय पीने का 500 सौ रुपया होता है एक कॉफी पीने का ढाई सौ रुपया होता है और ये ऐसा इंसान जिसका पैर फटे पुरानी सब कपड़े पहन के आया है ये क्या पैसा भरेगा ये तो पक्का फुकट का खाने के लिए आया है तो क्या करता है सोपी को सीधा उठा के बेचारे को फेंक देता है ठीक है तो सोपी का सबसे पहला प्लान नंबर वन क्या था दोस्तों जल्दी बताओ सोपी का सब देखो आपके एग्जाम में रीअरेंज भी आ सकता है टोटल सोपी जो होता है चार से पांच प्लान बनाता है तो सबसे पहला प्लान क्या होता है कि मैं लग्जूरियस होटल में जाके फ्री का काट का खाना खाऊंगा ठीक है और खाने में भी क्या खाऊंगा बतक चीज अल्कोहल कॉफी और सिगरेट ठीक है तो ये मत मत ये नजर रखते हुए अंदर जाता है जैसे ही अंदर जाता है वहां का जो वेटर होता है वो सोपी को उस होटल से लात मार के भगा देता है मतलब उठाता है और दम धक्का मार के बेचारे को होटल के बाहर फेंक देता है ठीक है तो यहाँ पे सोपी बेचारा अब लग्जूरियस होटल के बाहर पड़ा हुआ है और सोच रहा होता है यार मेरी किस्मत कितनी खराब है काश मेरे को अंदर जाने मिल गया होता पेट भी भर जाता और मेरा तीन महीने का सपना जो है जेल में बिताने का वो भी पूरा हो जाता बट कोई बात नहीं अब आपके चैप्टर में देखो गौर से सुनो आपके चैप्टर में है। है आईलैंड लिम्बो ठीक है तो ये सारे जो वर्ड है ये सबका मतलब क्या है जेल क्योंकि सोपी के लिए वो जेल जेल नहीं थी सोपी के लिए तो भाई वो हेवन है इस मोमेंट में ल, आ, आइलैंड है सोपी के मुताबिक क्योंकि वो सोपी उधर जाना चाहते है, है ना तो अलग अलग फ्रेस का इस्तेमाल किया गया अब सोपी जनाब बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया भाई साहब बोलता है लेकिन सोपी हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है सोपी उठता है अपने कपड़े ऐसा पोछता है बोलता है क्या हो गया एक प्लान फ्लॉप हो गया तो क्या मैं हार मान जाऊं अरे भाई वहां सर्दी में सो के मैं सुबह मर जाऊंगा उससे अच्छा कोई मैं दूसरा प्लान डिवाइस करता हूँ दूसरा प्लान बनाता हूँ तो सोपी जनाब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेकंड प्लान क्या बनाता है पता है वो चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है क्या करूं क्या करूं अब सेकंड प्लान क्या कर सकता हूं अचानक से उसके दुकान पे नजर पड़ती है और वो दुकान इतनी प्यारी होती है कि उस दुकान का जो दरवाजा और विंडो होती है पूरी की पूरी ग्लास की बनी हुई होती है पूरा का पूरा मिरर का बना हुआ होता है एकदम तो अंदर जो ऐसी सब चीज है ना दुकान की सब दिख रही है ट्रांसपेरेंट एकदम और उसी दुकान के बाहर एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है तो सोपी जनाब देखते हैं, भाई मौका है चौका मार दे सोपी चौका मार दे कि इस दुकान में ये जो चमचमाती हुई कांच नजर आ रही है बहुत तो प्यारी लग रही है यहाँ पे पुलिस भी खड़ा है चलो यार मौके पे चौका मारता हूँ पत्थर से पूरी कांच फोड़ दूंगा ये पुलिस मेरे को पत्थर से कांच फोड़ते हुए देखेगी और मेरे को महीने की सजा होगी क्या बोल लेगा भाई ज्यादा से ज्यादा कि ये कांच का पैसा भर मैं बोलूंगा मेरे पास पैसा नहीं है तो बोलेगा चल बेटा फिर रहा जेल होगी तो मैं खुशी खुशी चले जाऊंगा क्योंकि तो वही चाहिए है ना अरे भाई तीन चार थप्पड़ मारेगा तो वो भी चल जाएगा तीन चार थप्पड़ खा लूंगा कम से कम मरने से तो बच जाऊंगा ठंडी से तो यही प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए सोपी जनाब उठाते हैं जमीन से पत्थर बड़ा सा और ले मारते हैं उस दुकान की ग्लास पे दुकान हो जाती है बहुत खतरनाक तरीके से फुट और फिर क्या होता है सोपी जैसे ही उस दुकान की ग्लास को फोड़ता है सब यहाँ वहां के लोग जो होते खड़े हो जाते ये क्या हो गया पुलिस भी हो जाती है क्या हो गया सोपी भी ऐसा खड़ा हो जाता है वहीं पे सब लोग खड़े साइलेंस सब एक दूसरे का मुंह देख रहे दुर्भाग्यवश बिचारा सोपी जब पत्थर मारा तो पुलिस ने उसको पत्थर मारते हुए देखी ही नहीं अब सोपी बोलता है भाई मेरे को कोई देख क्यों नहीं रहा है मेरे को कोई चोर क्यों नहीं समझ रहा है मैंने पत्थर मारा हूं ना तो सोपी जनाब जाते हैं पुलिस के पास खिसक खिसक के और बोलते हैं क्या तो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो ना तो पुलिस बोलता है ए होशियारी क्या तेरे को काय को गिरफ्तार करेंगे हम तो बोलता है कि मैंने ये विंडो तोड़ाऊ ना तो आप मुझे गिरफ्तार कर लोगे तो फिर बोलता है कुछ भी तेरे को मुंह दिया तो कुछ भी बोलने का क्या मतलब सिंपल सी बात है अगर कोई एक चोर ने कुछ क्राइम किया है तो क्या क्राइम करके उधर पे खड़ा रहेगा हा, हाथ बांध के तेरी तरह या भागेगा भाई तू चोर नहीं है जबरदस्ती टांग में ठीक है मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस है मुझे इतनी बात तो कंफर्म पता है कि जो भी चोर होता है वो कभी भी जुर्म करके वहां खड़ा नहीं रहता वो गायब हो जाता है हो जाता है ठीक है तो तू पागल है तू थोड़ा ना पागल है साइड हो जा अभी उसी मोमेंट में एक बेचारा इंसान कार उसकी छूट गई थी तो कार के पीछे भाग रहा था अपनी कार पकड़ने के लिए तो पुलिस को लगता है कि वो जो इंसान भाग रहा है कार के पीछे वो चोर है जो जितना फेंक के मारे <laughs> तो सोपी वहीं पे खड़ा है पुलिस जो है वो कार वाले के पीछे भाग गई और सोपी बोलता है भाई ये क्या हो गया हो क्या रहा है भाई मतलब जब मुझे गिरफ्तार नहीं होना होता है तब मैं छोटे सा भी कुछ क्राइम करूंगा तो पुलिस मेरे को पकड़ लेती है और अभी मैं इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहा हूँ बड़े बड़े मतलब कांच तोड़ रहा हूँ फ्री का खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी मेरे को करेक्ट नहीं कर रहा क्या हो गया भाई सोपी अब वो बोलता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बोलता चल चल ठीक है कोई बात नहीं सोपी हार नहीं मानेगा कुछ भी कर लेगा लेकिन सोपी जो है वो तो हार मानेगा नहीं तो बोलता है कि यार एक काम करता हूँ तीसरा प्लान दिमाग में लाता हूँ पहला फ्लॉप हो गया चल जाएगा दूसरा फ्लॉप हुआ कोई बात नहीं तीसरा अब तो मैं तीसरा प्लान को इं... दम खतरनाक तरीके से करूंगा सोचता है चलो पहले प्लान में मेरी क्या प्रॉब्लम हुई कि मैं फाइव स्टार होटल में चले गया फाइव स्टार होटल में अच्छे कपड़े पहनने का सिंपल है अब एक काम करता हूँ ना एक नॉर्मल सी होटल में जाता हूँ जहाँ पे मेरे जैसे लोग जो होते हैं वो भी खाने के लिए जाते हैं सस्ता होटल जो होता है चलो उधर जाता हूँ तो सोपी बोलता है चलो भाई एक्सपीरियंस लेके तीसरा प्लान मैं ये बना रहा हूँ कि मैं जो है एक सस्ती सी लोकल रेस्टोरेंट में जाता हूँ जहां पे मेरी फटी पुराने कपड़े देखकर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी तो थर्ड प्लान ऑफ सोपी क्या है कि फ्री होटल में जा, लोकल होटल में जाके फ्री का खाना खाएगा वहां वो बहुत सारा खाना भी खाता है बहुत सारा भर खाना खाता है पूरे दिन की भूख उसकी मिट जाती है अब जब बिल देने की बारी आती है तो सोपी जनाब जो होते हैं साफ साफ वेटर को बोल देते हैं कि देखो भाई पैसा नहीं है ये रहे मेरे दोनों हाथ हथकड़ी लो और आप पुलिस को बुला के हथकड़ी पहना दो तो वहां का जो वेटर होते हैं वहां के जो दो दो वेटर हो, खड़े होते हैं दो वेटर यहाँ वहां थोड़ा माहौल देखते हैं क्योंकि उन लोग की होटल में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं वो लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी होटल में पुलिस को बुलाएंगे तो दूसरे लोग दूसरे कस्टमर हमारी होटल के बारे में क्या सोचेंगे रेप्यूटेशन पूरा डाउन चले जाएगा अब दूसरों को क्या पता ना कि इधर पे पुलिस क्यों आई है कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सबको लगेगा कि उस होटल में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए पुलिस आई तो वो लोग बोलते हैं बेटा जो तूने किया है ना बहुत गलत किया है हम लोग अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए अभी पुलिस तो नहीं बुला रहे बट देखो इस सब मार के भगाए गए इधर से तो उसको फिर से क्या करते हैं उसके कॉलर पकड़ते हैं धना धन उसको मारते हैं और फिर से होटल के बाहर फेंक देते हैं <laughs> तो यहाँ पे बेचारा सोपी फिर से अब होटल के बाहर पड़ा हुआ है अब ये जो तीसरी होटल है ये तो सस्ती होटल थी है ना तो यहाँ पे भी क्या हो गया बेचारे सोपी को लात मार के फिर से बाहर भगा दिया गया अब सोपी जनाब फिर से बाहर पड़े हुए हैं अब वो बोल रहा है मतलब वो थोड़ा अपने कपड़े फिर से ऐसे ऐसे पूछता है बोलता है भाई हो क्या रहा है सुबह से मेरे को मारी पड़ रही है गिरफ्तार कोई क्यों नहीं कर रहा हो क्या गया फिर बोलता है यार मैं तो समझ रहा था कि जेल जाना बहुत आसान है बट ये तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि जेल जाना मेरा एक ऐसा सपना है जिसको अचीव करना इज वेरी एल्यूसिव वेरी वेरी डिफिकल्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच डिफिकल्ट टू फाइंड ये जो मेरा सपना है आइलैंड जाने का आइलैंड क्या है जेल जेल जाने का सपना तो बहुत दूर लग रहा है यार बैक टू बैक बैक टू बैक सारे प्लान फ्लॉप हो रहे हैं मेरे इतना एक्सपीरियंस फिर भी फिर बोलता अब क्या करूं अब यही चीज है वो सब सोच रहा होता है ठीक है उतने में उसको बहुत अजीब से थॉट्स आते वो बोलता है कि बैक टू बैक तीन प्लान फ्लॉप हुए है क्या मेरे अंदर कोई एक ऐसी आत्मा तो नहीं आ गई है जो मुझे गिरफ्तार होने से रोक रही है देखो ड्रेड फुल एंटांटमेंट जो मुझको क्या कर रही है अरेस्ट होने से इम्यून कर रही है यानी बचा रही है डर जाता है पैनिक में आ जाता है ठीक है उसके सामने तो बहुत सारी पुलिस है जो उसको क्राइम करते हुए देख तो रही है बट पकड़ नहीं रही है बोलती ऐसा हो वो सोचता ऐसा हो क्या गया भाई <laughs> मेरे अंदर कोई आत्मा तो नहीं है जो मेरे को बचा रही है जो मैं करना चाहता हूँ मेरे को नहीं होना है नहीं हो रहा है अब फिर उतने में उसको सामने दिखता है कि सामने पुलिस खड़ी हुई है ठीक है दो तीन पुलिस बात कर रही है तो उसको एक और आइडिया आता है ठीक है करते करते सोचते सोचते रैंडमली उसको एक और आइडिया आ जाता है ठीक है मतलब पहले रोता तो बहुत बेचारा सैड हो, हो जाता है कि भाई हो क्या रहा है मेरे को गिरफ्तार होना है मेरे को घर क्यों नहीं रहे आज रात से पहले मेरे को कैसे भी करके गिरफ्तार होना है वरना मैं रात कैसे बिताऊंगा उस ठंडी में मर जाऊंगा सुबह तक तो तो बहुत डर गया होता है फिर जैसे तैसे करके वो फोर्थ प्लान क्या बनाता है उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा होता है तो सोपी अचानक से डांस करने लगता है डांस करने लगता है, गाना गाने लगता है ऐसा बिहेव करता है जैसे उसने पी रखी है अरे भाई सोपी जनाब ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उसने हद से ज्यादा पी रखा है डांस करता है जोर जोर से चिल्लाने लगता है ऐसा करता है जैसे पता नहीं पूरे आसमान को वो डिस्टर्ब कर देगा इतनी लाउड वॉइस है ठीक है अब वो सोचता है है कि सामने जो अपना पुलिस वाला है, वो देख के मुझे गिरफ्तार कर लेगा कि मैं इतना अल्कोहलिक टाइप बिहेव कर रहा हूँ बट पुलिस वाला क्या बोलते हैं देखो पुलिस वाला बोलता है लोग लो, दो तीन पुलिस वाले होते हैं दूसरे को बोलते हैं यार इसको हम गिरफ्तार नहीं कर सकते इन इस एरिया में इधर पे कोने में ना एक कॉलेज है ये कॉलेज में कुछ फेस्टिवल चल रहा है और ये कॉलेज बच्चे को ना पीना के कुछ से कि कोई इंसान चिल्ला पुकार करे चल जाएगा बट वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए तो ये बंदा जो ना चिल्ला पुकार कर रहा है बट किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा ना चलो जाने दो छोड़ो इसको अपनी हालत में छोड़ो निकल जाओ तो पुलिस वाले ऐसा बोलते है एक दूसरे को और वहां से निकल जाते और सोपी उधर पे ऐसे ऐसे नाच रहा था नाच रहा था चिल्ला रहा था पूरे बटन उसका खुले उसके खुले हुए पुलिस उसके आंखों के सामने जा रही है बिना उसको गिरफ्तार किए सोपी बोलता है भाई क्या हो रही है मतलब शराबी को भी अभी तुम लोग अरेस्ट नहीं करोगे ये क्या ये क्या भाई क्या हो क्या रहा है तो फिर बहुत ज्यादा डिस्कॉन्सुलट हो जाता है डिस्कॉन्सुलेट मतलब एकदम उदास अनहैप्पी हो जाता है फिर अपनी जो फालतू वाली हरकत कर रहा था अनिंग हरकत कर रहा था वो रोक देता है स्टॉप कर देता है और फिर सोचता है कि पुलिस मुझे को नहीं लगता मेरे को आज गिरफ्तार करेगी अब तो मुझे लग रहा है भाई गया ठीक है तो यहाँ पे सोपी का फोर्थ प्लान क्या था कि पुलिस के सामने ड्रंकेट की तरह बिहेव करना ठीक है तो नाश्ता है पागल चाले करने लगता है बैड बिहेवियर बट वो तो सोचता है कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी बट ऐसा नहीं होता पुलिस तो उसको बिना गिरफ्तार करे ही मुँह मोड़ के चले जाती है ठीक है तो फिर बेचारे को बोलते हैं करवा ली बेजती नाच रहा है <laughs> डांस कर रहा है चिल्ला रहा है फिर भी गिरफ्तार नहीं हुआ बेचारे ने खुद की बेजती करा लिया फिर अब बोलता है अब क्या करूं भाई अब तो रात हो गई है अब तो पुलिस वाले भी अपने अपने उसमें चले जाएंगे मैं सोऊंगा किधर ना तो दोस्त है ना घर है ना कुछ है अब फिर क्या करूं अब क्या करूं? तो उतने में चलते 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 उसको एक दुकान दिखती है क्या दिखती है एक शॉप दिखती है उस शॉप के बाहर एक प्यारा सा महंगा एकदम हाई क्वालिटी का ना अम्बरेला रखा हुआ होता है छतरी रखी होती है ठीक है स्नोफॉल में छतरी भी यूज करते हैं, ठीक है थीके? आप बोलोगे कि वो सर्दी के मौसम में अम्बरेला क्या कर रहा है इंडिया में तो हम रेनी सीजन में यूज करते हैं नहीं भाई वहां पे स्नो में भी यूज करते हैं लोग ठीक है स्नोफॉल होती है ना तो अम्ब्रेला दिखता है और उस दुकान के अंदर एक कस्टमर भी खड़ा हुआ है तो सोपी बोलते हैं अच्छा जी तो ये कस्टमर ने अपना अम्ब्रेला बाहर रखा है मैं काम करता हूँ ये अम्ब्रेला को चुराता हूँ और भागता हूँ ये भी मेरे पीछे पीछे भागेगा कि ये मेरा अम्ब्रेला है मेरा अमरेला छतरी चोर छतरी चोर करके मेरे पीछे मे भागेगा पुलिस उधर खड़ी है वो देखेगी और तो मेरे को पकड़ लेगी कि भाई क्या छतरी चुरा रहा है और फिर मेरे को तो तीन महीने के गिरफ्तार हो जाएगा ठीक है अब ये सोचते हुए टोपी जनाब चुपके 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 जाते हैं किधर पे जाते हैं ऑफ कोर्स दुकान में जाते हैं छतरी उठाते हैं और सुमड़ी में लेकर क्या करता है जालने लगता है देखो टोपी क्या करता है अंदर जाता है अंब्रेला को ग्रैब करता है और स्लो 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 सब भागने की कोशिश एकदम फास्ट भागेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा तो जान बुझके साथ दिखाता है कि मैं ना चोरी कर रहा हूँ तो स्लो स्लो ऐसे जाता है स्लो स्लो ऐसे भागता है ठीक है <laughs> तो उसके पीछे वो कौन आ बोलते है ना वो आता है है बोलता ओ भाई किधर किधर मेरा अम्ब्रेला है कहां लेके भाग रहे हो तो सोपी ओ भाई अच्छा जी तो ये तेरा तेरा है तेरा अम्ब्रेला है क्या ये तो ये देखो उधर पे कोने में पुलिस खड़ी है जा उसको बोल पुलिस वालों को बोल कि मैंने तेरा अम्ब्रेला चुराया हूं और मेरे को गिरफ्तार करवा ले ये ले भाई तेरा अम्ब्रेला ले और वहां पुलिस खड़ी है जल्दी मेरे को अब भी के भी गिरफ्तार करवा जो कस्टमर होता है वो चुप बैठ जाता है वो सोचता है अरे यार शिट क्या मुसीबत है यार मैंने ये सुबह अम्ब्रेला जिसका चुराया था लगता है वही इंसान आ गया मुंह <laughs> मतलब कि ये कस्टमर ने खुद सुबह ये किसी की छतरी चुराया था और ये कस्टमर को लग रहा था ये जिसका चुराया है 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 ये ये सोपी ही है। पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। समझ रहे है कहानी <laughs> तो यार ये कस्टमर बोलता है बे यार ये कहाँ से टपक गया तो मेरे को जान बुझ ये बोल रहा है पुलिस को बुलाओ पुलिस आएगी तो मेरे को ही गिरफ्तार करवा लेगा तो बोलते है नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं एक इंसान हूँ मेरे से गलती हो गई थी मुझे पता है सुबह आपका अम्ब्रेला इधर पर रखा हुआ था मैं चुराया देखो यार छोटी मोटी गलती तो हो जाती है इंसान को माफ कर देना चाहिए है ना माफ करोगे तो आगे भी जाके आप कुछ गलती करोगे तो आपको भी इंसान माफ कर देगा ऐसा बोल के भाग जाते है <laughs> कस्टमर भाग जाते हैं ठीक है और सोपी खड़ा है छतरी लेके छतरी देखते हैं ये मेरी छतरी है मैंने ये छतरी को कब खरीदा भाई मैंने तो छतरी को चुराया हूं ये मेरे को क्या बोल के गया छतरी लेता है उधर पे गटर होता है वो छतरी को फेंक देता है गटर में और बोलते है सोपी तो भाई पांच प्लान बैक टू बैक फेल हुए तेरे लगता है तेरी किस्मत में बर्फ बन के ही डेथ लिखी हुई थी चल सोपी भाई रेडी हो जा पांच प्लान बैक टू बैक फेल हुए हैं अब पुलिस भी नहीं है कुछ ऐसी चीज भी नहीं है कि चोरी कर सके सारी दुकानें भी बंद हो गई है करू तो करूं क्या पुलिस वाले को मारू सर पे? <laughs> फिर तो मेरे को दो साल की सजा हो जाएगी पुलिस वाले को मारूंगा तो बहुत निराश हो जाता है बेचारा फिर घर जाने के मतलब घर तो वही जहां पे वो रहता है सड़क पे उधर पे जाने तो लगता है जब वो उधर पे जा ही रहा होता है जा ही रहा होता है उतने में उतने में क्या होता है उसको ना एक चर्च दिखता है क्या दिखता है चर्च दिखता है उस चर्च के अंदर से एक बहुत ही मेलोडियस आवाज आ रही है उस चर्च के अंदर जो भी पियानोइस्ट है वो एक एंथम बजा रहे है जो कि हद से ज्यादा क्या है मोटिवेशनल है और इंस्पिरेशनल है। देखो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है गौर से सुनो जो भी फनी एलिमेंट थे, अब वो खत्म हो गए सोपी जनाब के सारे प्लान स्टॉप हो गए अब सोपी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ रहा है सोपी जनाब एक चर्च के पास जाके खड़े हो गए हैं, ठीक है थीके? मतलब इतनी प्यारी आवाज थी कि चलते चलते वो उधर पे पहुंच ही गया ठीक है उस चर्च के अंदर एक प्यारा सा मेलोडियस एंथम बज रहा है जो कि हद से ज्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल सोपी जनाब उधर पे जाकर जाके खड़े हो जाते हैं मतलब चर्च का जो फेंस होता है ना वो पकड़ के खड़े हो जाते हैं मतलब वो हर एक लाइन को हर एक लिरिक्स को एकदम गौर से सुन रहा है और फिर अचानक से उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लगते क्या आने लगते हैं थॉट्स आने लगते हैं क्या थॉट्स आने लगते हैं क्या थॉट्स आने लगते हैं सोपी को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही होती है वो बोलता है भाई मैं बचपन में कितना अच्छा था मेरे कितने बड़े बड़े सपने थे कि बड़ा ऑफिसर बड़ा ये करूंगा वो करूंगा का मालिक बनूंगा। अरे भाई कंपनी का मालिक तो छोड़ एक वक्त का खाना खाने के पैसा नहीं है ये कैसे जिंदगी में तूने बना लिया अपने आप मतलब वो अपने आप को ये सब चीजें बोलने लगता है अपने आप को ही वो चर्च के बाहर ऐसा फेंस पकड़ के खड़ा है और अपने आप को ऐसा सब बोल रहा है क्योंकि उसको मोटिवेट कौन कर रहा है मोटिवेट कर रहा है चर्च के अंदर जो एंथम बज रहा है वो ठीक है तो इनफैक्ट उसकी लाइफ में होते जा रहा है वो अपने बारे में सोच रहा है कि पहले मेरे कितनी अच्छी फैमिली थी मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे अच्छे अच्छे मैंने वो सारे फ्रेंड्स को छोड़ दिया और आज ऐसी हालत में जी रहा हूँ कि ना मेरा घर है ना कुछ है और कैसा जी रहा हूँ मतलब एकदम चोरी चकारी वाली जिंदगी जी रहा हूँ मैंने अपने आप को क्या कर दिया हूं एक कूड़े में डाल दिया हूं ऐसे कूड़े में डाल दिया हूं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है से और वो मोटिवेशनल सॉन्ग बजने लगता है तो उसके अंदर से फिर आग निकलती आग निकलती मतलब आग, आग जलती है सोपी के अंदर से बोलता है कि तू ने अपने को एक ऐसे कूड़े में डाला है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है मुश्किल है बट तो इम्पॉसिबल नहीं, नहीं है बेटा सोपी मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है तो वो बोलता है कि बेटा सोपी तेरी ये जो जिंदगी है ना इसको अभी खत्म करता हूं फालतू जिंदगी मतलब जी रहे चोरी चकारी करके अब सोपी जनाब जो है वर्क करके पैसा कमाए गए वर्क करके अपना घर बनाएगा वर्क करके अपनी जॉब लेगा और वर्क करके ही खाना खाएगा फुकट का खाना नहीं खाएगा ठीक है ये सारे माइंड उसके आते हैं दिमाग में बोलता है कि वो एक दिन मेरा दोस्त था कोई तो आया था मेरे पास बोल रहा था उस वक्त चोरी करके उसको विचार को भगा दिया था अब वो दोस्त को पकड़ता हूँ और बोलूंगा कि भाई वो जॉब अभी है क्या वो जॉब अभी भी रही ना तो जॉब करूंगा ठीक है माइंड बना देता है वो बोलता है कि भाई सोपी बेटा रेडी हो जा अपन जो है ना सुबह सुबह उस दोस्त के पास जाएंगे और ड्राइवर की जॉब मांगेंगे मैं तो है ना जनाब लाइफ में क्या क्या। पीठ में हाथ रखते बोल ही रहा होता है कि सोपी ये करेगा सोपी वो करेगा मेहनत करेगा मेहनत की रोटी खाएगा चोरी नहीं करेगा ऐसा सब बोल ही रहा होता है उतने में उसके कंधे में कोई हाथ रख पीछे देखता है कौन है बे कौन डिस्टर्ब कर रहा है फिर भाई पुलिस पुलिस है ये तो तो फिर पुलिस बोलती है बेटा इधर क्या कर रहे हो तो सोपी वो मैं तो इधर ऐसे ही आ गया मतलब तो गाना अच्छा लगा इसलिए ऐसे आ गया तो पुलिस बोलता है <laughs> बेटा देखो शायद मालूम नहीं है कि ये जो चर्च की जगह है ये बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है इधर पे बिना परमिशन के कोई कदम नहीं रख सकता और तू पूरा पक्का पूरा अक्खा इंसान इधर पे आके घुस गया बिना किसी के परमिशन पास पास है डू यू हैव एनी काइंड ऑफ पास जिसकी वजह से तुझे एंट्री मिली तो बोलते है वो तो मेरे को नहीं मिली क्या है तो पुलिस बोलते चल बेटा गिरफ्तार हो चुका है तू आज इतनी बड़ी चर्च में यहाँ पे हम जो है बड़े बड़े इंसान को बिना पास के एंट्री नहीं देते और तू ये फटे पुराने कपड़े वाला ऐसे घुस गया चलो बेटा गिरफ्तार नहीं वैसे तो गिरफ्तार नहीं करते उसको उसको पहले लेके जाते कोर्ट कोर्ट में में ठीक ले है लेके जाते हैं और फिर कोर्ट वाला क्या डिसीजन देता है देखो बेचारे को कोर्ट वाला क्या डिसीजन देता है कि थ्री मंथ्स ऑन द आइलैंड कौन बोला मैजिस्ट्रेट ने बोला पुलिस ने नहीं बोला मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं जो कोर्ट में जज होते हैं ठीक है थ्री मंथ्स ऑन द आइलैंड आइलैंड क्या है जेल तो सोपी बोलता है ओ oh, भाई मारो मारो मेरे को क्या है ये मतलब जब मेरे को गिरफ्तार होना था मैं तड़प रहा था गिरफ्तार होने के लिए तब तो ये सारी पुलिस कहाँ थी पता नहीं अब मैंने ये दिमाग में इतने अच्छे थॉट्स लाया कि मैं ये करूंगा कभी चोरी नहीं करूंगा अपना खुद के बल पे मेहनत करके घर बनाऊंगा खाना खाऊंगा और तो अभी मुझे गिरफ्तार कर रहे मतलब यहाँ पे बेचारे का जो है सिचुएशन ने साथ नहीं दी तो इस पूरी की पूरी स्टोरी से जो है पूरा मतलब तो इसमें बहुत ज्यादा फनी एलिमेंट है फिर क्लाइमेक्स है फिर बहुत ही इमोशनल टच है तो इससे अपने को सबसे खतरनाक मैसेज जो मिलता है वो ये है कि अपने को जब भी कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती है तो उसको उसी वक्त ग्रैब कर लेना चाहिए कभी भी उसको डिले नहीं करना चाहिए जैसे कि इस स्टोरी में सोपी का दोस्त उसको बोल रहा था कि भाई ड्राइवर की जॉब है करना है क्या अपॉर्चुनिटी थी ना लेकिन सोपी क्या बोला था नहीं भाई हम तो चोरी करके जिएगा अब वो ड्राइवर की जॉब जब उसको चाहिए थी तब उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो सबसे बड़ा मैसेज देखो तीन चार मैसेज इस चैप्टर से मिलते हैं पहला तो ये कि जब जो अपॉर्चुनिटी मिले ले लो बार बार वो अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार नहीं करेगी ठीक है दूसरा मैसेज अपने को ये मिलता है कि हम हर इंसान से कुछ ना कुछ लाइफ में गलती होती है ठीक है तो गलती करते हैं और आप वही गलती जिंदगी भर करते जा रहे हो तो भाई आप अपने आप को फंसा दिए गलती करे और उसको रिकवर करके आगे निकल गए लाइफ में और उसको एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ गए तो आप मस्त इंसान हो तो आप ये वाला देखो एग्जाम्पल लिख सकते हो कि आप जो है पानी में गिरने से नहीं डूबते हो आप पानी में रहने से डूबते हो सिंपल सी बात है ना भाई पानी में गिर गए तो क्या मर जाओगे ऑन द स्पॉट नहीं ना पानी में गिर गए बाहर ही नहीं निकल रहे वहीं पे पड़े हो दो दिन तीन तो फिर गए तो वैसे ही गलती अगर हो गई इज नॉट द प्रॉब्लम गलती करे जा रहे हो, करे जा जा रहे रहे हो हो बस कुछ है ही नहीं तो फिर गया वही है ठीक है एग्जाम्पल मस्त सिंपल सी बात है भाई मिस्टेक करो उससे एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ो सिंपल सी बात है एक ही मिस्टेक को पूरी जिंदगी दोहराना नहीं ठीक है लाइफ में कुछ भी गलती हुई छोटी हो बड़ी हो ड मैटर ठीक है एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना है तो जैसे कि सोपी जनाब जो थे वो गलती कर रहा था भले ही थोड़ा लंबे टाइम के लिए उसने गलती किया बट उसको एहसास हुआ ना एहसास होना इज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भाई अपने को रियलाइज होना कि ये जो चीज हो रही है गलत है इसको सही करना है तो सोपी को हुआ वो चीज रियलाइजेशन बट हाँ यहाँ पे उसके साथ आयरनी हो गई यहाँ पे उसकी किस्मत ने साथ नहीं दी यहाँ पे उसके साथ अपॉर्चुनिटी ने धोखा दे दी तो ये चीज हुई है ना तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर एंड हो जाता है इस आपके सामने है सारे मजा आया होगा आई होप और ये पूरी की पूरी चैप्टर की समरी है ठीक है पूरा का पूरा चैप्टर की समरी तो बस फिर हम जो है फटाफट से क्या करते हैं दो तीन क्वेश्चन के आंसर करते अपने इस चैप्टर के जो राइटर है उनका निक नेम और ओरिजिनल नेम क्या है विच ऑप्शन यू विल चूज जल्दी जल्दी बताइए जारा बोल रही है बी शाहिद बोल रहा है ए पूर्वा बोल रही है सी कोई डी वाला भी है तो बता दो अच्छा गायत्री डी वाली है। सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ओ भाई हम्म, ओ विलियम जेम्स पॉटर नहीं है जी ए आंसर तो है ही नहीं विलियम सिडनी पॉटर देखो निक नेम क्या है गलत निक नेम उनका ओ हेनरी है और रियल नेम क्या है विलियम सिडनी पॉटर डी हेनरी नहीं है भैया डी है तो करेक्ट आंसर सी है अपना करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन सोपी ने टोटल कितने प्लान बनाया था अरेस्ट होने के लिए तीन चार पांच या सात टोटल कितने प्लान बनाए थे सोपी जनाब ने पांच प्लान बनाए थे यस करेक्ट आंसर इज सी चलो जल्दी जल्दी बताओ लाइन से कि सोपी का पहला प्लान क्या था दूसरा क्या था तीसरा और चौथा और पांचवा द फर्स्ट प्लान ऑफ सोपी टू गेट अरेस्टेड वॉज टू ईट फ्री फूड या फ्री लंच इन दी क्या बात है वैष्णवी एक मिनट करेक्ट यस टू ईट फ्री लंच इन दी लग्जूरियस कैफे ये इसका पहला प्लान था सेकंड प्लान क्या था जनाब का जल्दी बताओ सिर्फ लग्जूरियस होटल नहीं लग्जूरियस होटल में क्या लग्जूरियस होटल में फ्री का खाना खाने का प्लान था सेकंड क्या था ब्रेक द ग्लास यस किसका ग्लास पानी का ग्लास ब्रेक द ग्लास ऑफ शॉप दुकान का ग्लास तोड़ने का प्लान था जी थर्ड प्लान क्या था जनाब का टू ईट फ्री फूड फ्रॉम लोकल रेस्टोरेंट लोकल फोर्थ प्लान क्या था टू बिहेव ड्रंकेड इन फ्रंट ऑफ पुलिस पुलिस के सामने अल्कोहोलिक बिहेव करने लगना और लास्ट प्लान क्या था टू रॉब दमरेला अमरेला चुराना तो टोटल तो तो ये पांच प्लान थे ठीक है जो कि बैक टू बैक बैक टू बैक, 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 बैक अनसक्सेसफुल रहे चलो वाय सोपी वॉन्टेड टू गो टू आईलैंड जी सोपी को जेल क्यों जाना था ताकि वो पढ़ाई करने से बच जाए वा, वा, वा। <laughs> जेल में जाओ मस्त खाना पीना मिलेगा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी टू एस्केप फ्रॉम समर सीजन विंटर सीजन या फूड एंड शेल्टर यस अंदर की आत्मा जाग उठी उसको एहसास होने लगा क्या सुनने के बाद जी नेशनल एंथम सुनने के बाद टेम्पल एंथम चर्च एंथम या चर्च की घंटी Yes, At the end, why cop arrested आखिर में, अपनी स्टोरी में जो पुलिस होती है वो सोपी को क्यों अरेस्ट कर लिया यार बेचारे को जब उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें सोच लिया था और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था उटिंग चर्च एंथम वो चर्च एंथम नहीं सुन रहा था इसलिए क्या बात है जी चलो मतलब आप लोग को सब चीज अच्छे से समझ में आ गई है ये करेक्ट आंसर इज बी क्यूकी वो चर्च के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बेचारा आके खड़ा हो गया था ठीक है एट द एंड सोपी ने अपनी किस्मत के साथ क्या फेस किया कंफाइनमेंट आयरनी सिचुएशन मैंने आप एक वर्ड इस्तेमाल की थी एंड में कौन सा वर्ड इस्तेमाल की थी बताओ समझाने के वक्त यस आयरनी मतलब आयरनी मतलब क्या बिचारे ने सोचा कुछ और हुआ कुछ तो उसने किस्मत ने धोखा दे दी ठीक है तो यस एवरी वन इज़ द विनर ऑफ दिस सेशन इस सेशन का विनर मेरे हिसाब से कौन है अलतमश को घोषित किया जाए क्योंकि सारे आंसर के ओके ओके ओके, ओके करेक्ट आंसर वैष्णवी भी है जारा भी है आकाश भी है यस अंबिका भी है ग्रेट तो यहाँ पे बहुत सारे विनर्स है तो आई एम डिक्लेयरिंग एवरी वन एज अनर ग्रेट एवरी वन इसके साथ अपना आज का सेशन यहीं पे एंड होता है चैप्टर नंबर थ्री द कोप एंड दी एंथम की स्टोरी हमने वन शॉट में समझ लिए है अब इसी प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर फोर है जिसका नाम क्या है कौन बताएगा द बिग डेटा द बिग इन ये कल शाम साढ़े पांच बजे पढ़ने के लिए रेडी रहना चैप्टर नंबर मतलब कि बस नेक्स्ट वीक तक अपना सारा पढ़ के हो जाएगा है ना शफक में हमने वादा किए थे पूरा कर दिए क्या आप अपने वादे पे निभा रहे हो क्या मैं जो आप लोगों को नोट्स देती हूँ जो मैं आपको चीजें पढ़ाती हूँ क्या उसका रिविजन उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ग्रुप में ज्वाइन हो या नहीं हो वहाँ पे सैम्पल पेपर पीवाई सब कुछ भेजती रहती हूँ नोट्स भेजती रहती हूँ वहां पे नवनीत की ट्वेंटी वन भेजती हूँ भाई सैंपल पेपर की लाइन लगा के रखी हूँ पे, तो जो भी पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ पढ़ के बैठ नहीं जाना है कि भाई मैंने लेक्चर देख लिया मेरा तो काम खत्म हो गया बिल्कुल नहीं पचास प्रतिशत आपने बस लगाया हो एफर्ट लेक्चर सुनने में पचास परसेंट तो पर्दे के पीछे आपको एफर्ट लगाना है पर्दे के पीछे मतलब अकेले बैठकर सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी करनी है दिमाग में लगा दो बात ठीक है दिमाग में चुपका लो बात तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड जो भी बच्चों को इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स भी बहुत आ, मतलब शुरू हो चुका है ऑफ कोर्स एंड ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हो तो आप ये वाले नंबर पर मैसेज करो नाइन नाइन वन टू डबल सिक्स फाइव फोर ठीक है आपको जो भी नोट्स वगैरह चाहिए होती है तो मैं इधर पे शेयर कर दूंगी ठीक है ग्रुप अपना स्टडी ग्रुप बना हुआ है <coughs> एग्जाम बहुत करीब है प्लीज दो चीज को कभी भूलना नहीं रिविजन प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस बार बार यूज कर रही हूँ इसका मतलब क्या है प्रैक्टिस मतलब आपको सैंपल पेपर अस्सी मार्क्स का सैंपल पेपर सॉल्व करना है बैठ के तीन घंटे में तब आपको पता चलेगा कि मैं अस्सी मार्क्स लिख पा रहा हूँ तीन घंटे में या नहीं लिख पा रहा हूँ और पीवाई क्यू पिछले साल का अस्सी मार्क्स का बोर्ड पेपर कोई बिना सॉल्व किए गया बोर्ड एग्जामिनेशन में तो देख हर एक बच्चा पीवाई क्यू सोल्व करके जाएगा एक ही जो बोर्ड पेपर अवेलेबल है आपके पास यार दो हजार बाईस का मार्क्स पेपर हर एक सब्जेक्ट का ढूंढ के निकालो मैंने तो दे दी वैसे ग्रुप में ढूंढ अगर नहीं है तो ढूंढ लो गूगल में मिल जाएगा और सॉल्व करो उसको तीन घंटा टाइमर लगाओ अस्सी मार्क्स का पेपर सॉल्व करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है इसे सब सेल्फ स्टडी की कैटेगरी में आता है सेल्फ स्टडी ठीक है सो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट बताओ जी कुछ डाउट है क्या आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछ लो डाउट ओके अरे यार कितने बच्चे तो सच में ऐसे होते हैं ना ना कि ना पढ़ते हैं ना किसी को पढ़ने देते हैं क्यों आते हो यार फिर आप लोग सेशन में जब पढ़ना नहीं होता है बेचारा कोई एक बच्चा है पढ़ने के माइंडसेट से आया उसको भी कमेंट में उसके हजिया उड़ा रहे हो आप लोग वो ब्लॉक करते हो अभी आप लोगों को जो भी बच्चे लोग नाटक कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में अभी आप लोग अगले सेशन में दिखोगे ही नहीं ठीक है कर लो कमेंट क्योंकि हमारे पास तो सब सेव रहता है है ना सबको ब्लॉक किया जाएगा जो भी इधर पे दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं ठीक है किसी और के बारे में कुछ बड़ा बुरा बोल रहे हैं फालतू की बातें कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग एंटर नहीं हो पाओगे ठीक है पढ़ाई का माहौल अच्छा रखना है साफ सुथरा रखना है ठीक है जिसको पढ़ना है वही आइए ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि सबको पढ़ना है जिसको शिद्दत से पढ़ना है अच्छे मार्क्स लाने हैं अच्छी कॉलेज में जाना है अच्छी जॉब अच्छी कमाई अपने माँ बाप के सपने पूरे करना है अच्छी जिंदगी जीना है तो फिर फॉलो करो शुरुआत यहीं से हो रही है आपकी पढ़ाई अच्छा परसेंटेज ठीक है माहौल खराब करोगे तो भाई आप लोग चलो बाय बा वन टेक केयर हैव अ नाइस हाँ चलेगा भाई व्यूज नहीं आएंगे हमको फर्क नहीं पड़ता कोई प्रॉब्लम नहीं है व्यूज आए या ना आए हमने कभी वैसे भी व्यूज के बारे में बोले भी नहीं है कि हमारे चैनल पे व्यूज आ रहे या नहीं आ रहे कभी नहीं बोले पूरा सेशन हो गया मैंने आप लोगों के सामने कितने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया आज तक बोली हूँ व्यूज चाहिए कभी नहीं बोली जो भी है बच्चे पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते हैं उनको सीधा ब्लॉक ठीक है तो हमको व्यूज की जरूरत नहीं और कुछ बोलना है बताओ ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ यार सेंड कर देगी ना अभी कमेंट में तो आपको मैं भेज नहीं सकती हूँ बाय एवरी वन